वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिग बॉस सीजन 14 के घर में। घर में पहले कप्तान चुने गए। आपको बता दें कि पहले कप्तान एजाज बने हैं और एजाज के कप्तान बनते के साथ ही घर में उनके रिश्ते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बता रहे थे, उन्होंने ही उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मानने से इनकार कर दिया। घर में आने की उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी थी कविता कौशिक को लेकर। जब वो घर के अंदर कप्तान बनकर आई थी तो वो हर किसी को एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी फ्रेंड घर पर आ रही है और अब बिग बॉस काफ़ी आसान रहने वाला है, किसी पर वो रिलाई कर सकेंगे और किसी का वो सपोर्ट पा सकेंगे। लेकिन ऐसा इसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ कविता कौशिक ने उन्हें दोस्त मानने से ही इनकार कर दिया है। वो उन्हें कहती भी नज़र आ रही है कि अभिनव शुक्ला उनके ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ना कि एजाज खान। अब एजाज को कप्तान बनने के बाद मिले इस धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एजाज काफ़ी टूटे टूटे नज़र आ रहे हैं। बिग बॉस के घर के अंदर कप्तान बने, लेकिन किस कीमत पर? अपने दोस्त को ही हरा कर एजाज कप्तान बने और निक्की तंबोली अब उनके आखिरी दोस्त रहती हुई नज़र आ रही है। एजाज खान घर के तीसरे कप्तान हैं और हाल फिलहाल कप्तानी उनको आसानी से मिली है, क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि रेड जोन के सारे सदस्य उनकी कप्तानी को लेकर ही सबसे ज़्यादा अस्वस्थ थे। बहरहाल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर बड़ा तबादला होने जा रहा है। घर के अंदर ये तबादला है रेड जोन से ग्रीन जोन की ओर। जो रेड जोन में है वो ग्रीन जोन में आ सकते हैं अपने आप को एजाज के सामने प्रूफ कर। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि रेड जोन में है, जिसमें राहुल है, इसके अलावा निक्की तंबोली है, पवित्रा हैं और साथ ही साथ जान कुमार शानू है। अब एजाज के पास ये स्पेशल पावर आती है कि वो किसी को भी रेड जोन में डाल सकते हैं किसी अन्य सदस्य के मुकाबले। अब घर के अंदर कई सारे राइवल होने वाले हैं, जहाँ पर जान कुमार शानू जो हैं वो निशांत की जगह पर जो है कम्पीट करते हुए नज़र आएंगे और एक दूसरे को ये बताते हुए नज़र आएंगे क्यों उन्हें ग्रीन जोन में होना चाहिए और क्यों उन्हें रेड जोन के अंदर होना चाहिए। वहीं रूबीना और पवित्रा के बीच होगा। इसके अलावा घर के अंदर कविता कौशिक और निक्की तंबोली के बीच होगा और राहुल वैद्य और निशांत के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। आपको बता दें कि इन सारे कंटेस्टेंट में अब तबादला होगा, घर का पहला तबादला होने वाला है और जो भी इंसान रेड जोन के अंदर रहता है वो होता है नॉमिनेटेड और जो भी नॉमिनेट होता है वो घर से बाहर जाएगा। हाल फिलहाल वोटिंग लाइन बंद है और इस पहले तबादले के बाद अगर बात की जाए तो वेनसडे के बाद यानी थर्सडे को वोटिंग लाइन चालू हो जाएंगी। सिर्फ 2 दिन की वोटिंग लाइन होंगी और इस तबादले की वजह से ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर एक खास कंटेस्टेंट को भी वो लोग बचाना चाहते हैं। बहरहाल इस तबादले की वजह से कई दोस्तियां बनेंगी तो कई दोस्तियां टूटेंगी भी। अब ऐसा माना जा रहा है कि रूबीना दिलायक भी अब दूसरी तरफ चले जाएंगे। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या एजाज का घर का कप्तान बनना बिल्कुल सही है? क्या वो घर के सही कप्तान साबित हो सकते हैं? ये बड़े सवाल हैं जो हम आप पर छोड़ देते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को। वो कहते हैं ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिग बॉस सीजन 14 के घर में। घर में पहले कप्तान चुने गए। आपको बता दें कि पहले कप्तान एजाज बने हैं और एजाज के कप्तान बनते के साथ ही घर में उनके रिश्ते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त बता रहे थे, उन्होंने ही उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मानने से इनकार कर दिया। घर में आने की उन्हें सबसे ज्यादा खुशी थी कविता कौशिक को लेकर। जब वो घर के अंदर कप्तान बनकर आई थी तो वो हर किसी को एक बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरी फ्रेंड घर पर आ रही है और अब बिग बॉस काफी आसान रहने वाला है, किसी पर वो रिलाई कर सकेंगे और किसी का वो सपोर्ट पा सकेंगे। लेकिन ऐसा इसके विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है, जहां कविता कौशिक ने उन्हें दोस्त मानने से ही इनकार कर दिया है। वो उन्हें कहती भी नज़र आ रही हैं कि अभिनव शुक्ला उनके ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, ना कि एजाज खान। अब एजाज को कप्तान बनने के बाद मिले इस धोखे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एजाज काफ़ी टूटे टूटे नज़र आ रहे हैं। बिग बॉस के घर के अंदर कप्तान बने, लेकिन किस कीमत पर? अपने दोस्त को ही हरा कर एजाज कप्तान बने और निक्की तंबोली अब उनके आखिरी दोस्त रहती हुई नज़र आ रही है। एजाज खान घर के तीसरे कप्तान हैं और हाल फिलहाल कप्तानी उनको आसानी से मिली है, क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि रेड जोन के सारे सदस्य उनकी कप्तानी को लेकर ही सबसे ज़्यादा अस्वस्थ थे। बहरहाल आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर बड़ा तबादला होने जा रहा है। घर के अंदर ये तबादला है रेड जोन से ग्रीन जोन की ओर। जो रेड जोन में है वो ग्रीन जोन में आ सकते हैं अपने आप को एजाज के सामने प्रूफ कर। जी हाँ दोस्तों, घर के अंदर कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि रेड जोन में है, जिसमें राहुल है, इसके अलावा निक्की तंबोली है, पवित्रा हैं और साथ ही साथ जान कुमार शानू है। अब एजाज के पास ये स्पेशल पावर आती है कि वो किसी को भी रेड जोन में डाल सकते हैं किसी अन्य सदस्य के मुकाबले। अब घर के अंदर कई सारे राइवल होने वाले हैं, जहाँ पर जान कुमार शानू जो हैं वो निशांत की जगह पर जो है कम्पीट करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे को ये बता
बताते हुए नजर आएंगे क्यों उन्हें ग्रीन जोन में होना चाहिए और क्यों उन्हें रेड जोन के अंदर होना चाहिए। वहीं रूबीना और पवित्रा के बीच होगा। इसके अलावा घर के अंदर कविता कौशिक और निक्की तंबोली के बीच होगा और राहुल वैद्य और निशांत के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है। आपको बता दें कि इन सारे कंटेस्टेंट में अब तबादला होगा, घर का पहला तबादला होने वाला है और जो भी इंसान रेड जोन के अंदर रहता है वो होता है नॉमिनेटेड और जो भी नॉमिनेट होता है वो घर से बाहर जाएगा। हाल फिलहाल वोटिंग लाइन बंद है और इस पहले तबादले के बाद अगर बात की जाए तो वेनसडे के बाद यानी थर्सडे को वोटिंग लाइन चालू हो जाएंगी। सिर्फ 2 दिन की वोटिंग लाइन होगी और इस तबादले की वजह से ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर एक खास कंटेस्टेंट को भी वो लोग बचाना चाहते हैं। बहरहाल इस तबादले की वजह से कई दोस्तियां बनेंगी तो कई दोस्तियां टूटेंगी भी। अब ऐसा माना जा रहा है कि रूबीना दिलायक भी अब दूसरी तरफ चले जाएंगे। बहरहाल आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या एजाज़ का घर का कप्तान बनना बिल्कुल सही है, क्या वो घर के सही कप्तान साबित हो सकते हैं। ये बड़े सवाल हैं जो हम आप पर छोड़ देते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को।